बलिया जनपद की है, जहां पुलिस अधीक्षक यश आनंद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 15 लाख की अवैध शराब के साथ पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि क्षेत्राधिकारी नगर SN वैभव पांडे व प्रभारी निरीक्षक थाना गढ़वार बलिया संजय शुक्ला तथा स्वाट टीम प्रभारी अजय यादव के नेतृत्व में 4 अक्टूबर को उप निरीक्षक कमलेश पाठक अपने दलबल के साथ गश्त कर ही रहे थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि नराव गांव स्थित शिव मंदिर के बगल में खंडहर के पास एक पिकअप खड़ी है तथा 5 से 6 व्यक्ति आपस में शराब बेचने की बात कर रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना गढ़वार पुलिस व स्वाट टीम तथा सर्विलांस टीम ने एक अभियुक्त आशु गुप्ता पुत्र सत्यनारायण गुप्ता निवासी छोटी बिसहर थाना खेजूरी जनपद बलिया उम्र 22 वर्ष को तकरीबन 15 लाख की लागत से अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर लिया है। सर, SOG टीम व थाना गढ़वार पुलिस टीम को किस तरह की सफलता प्राप्त हुई है? जनपद बलिया में अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गढ़वार की पुलिस टीम, क्राइम ब्रांच की स्वाट और सर्विलांस टीम को आज एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। सूचना के क्रम में उक्त टीमों ने जब कार्रवाई की है तो उसमें एक पिकअप पकड़ी गई है, जिसमें एक व्यक्ति भी पिकअप के साथ पकड़ा गया है और उस पिकअप में हरियाणा निर्मित इंपीरियल ब्लू ब्रांड की लगभग 1600 लीटर के आसपास शराब बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 15 लाख के आसपास है। इस प्रकार से गढ़वार की पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम को भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें जो अन्य लोगों की संलिप्तता रही उनके विरुद्ध भी आगे कार्रवाई प्रचलित है।